बोल एक मिनट स्टार्टिंग डिफाइन करने दे यार। एक साल पूछ रहा भाई कैसे गंदे में मुझे जिंदगी में सबसे गंदा हुआ दिन गुजरा मेरा तुम्हारे गलत नो कमेंट नो कमेंट। खाने के बारे में तो दिल से मतलब कुछ होता है ना कि ऐसा एक बार ऊपर से कुछ अंदर आवाज आती है कुछ दिल से आवाज आती है और उन्हें छोड़ो खाने में सारा दुनिया में पूरी केवल एक ही सब्जी बची हुई है आलू 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 खाओ आलू खाओ मेस वालों के आलू मिलता है। मेस वाले को मैंने बोला सर कोई सब्जी नहीं आती है बाजार में मार्केट में बोलता नहीं बेटा आलू सबसे बड़ी हर एक सब्जी में आलू 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 आलू। गोडाउन कैसे बोल सकते हैं यार वो सुबह जाट समाज पे चाय छोटू की चाय कचौड़ी कचौड़ी कड़ी कचौड़ी वहाँ रेजिडेंस के रेजिडेंस की क्लास बंद करके सिनेमा हॉल जाना सिटी मॉल जाना मुझे लगता था अभी नटराज खिलाया जाए जो नटराज का मुझे लगता था नटराज को काट काट के आटा दिया जा रहा है यूज भी हो सकता है ऐसा ट्राई किया था कभी भाई क्यों नहीं वो सिर्फ मार मार के सब खेलते थे हम लोग। रात को जब भूख लगे तो फिर नया पूरा बस स्टैंड में जाना और गडरिया महादेव केपनाथ क्या मजेदार लगता है जुगाड़ लगाना दोस्तों के साथ नाइट आउट रेडियो के साथ चिल करना। तू कोटा का है क्या? कोटा से बड़ा है ना नीचे आ कोटा वालों को स्पेशल कंसेशन मिल रहा है दोस्तों से बाय रेंट की खड़ी वाली वो पेटीज पेटीज क्या पेटीज थी यार पेटीज वाला एकदम कुत्तों की तरह पढ़ना पेपर से पहले कौन खिला भाई बहुत घिसी है ऐसे घर वाले दो कुत्ते मुझसे पूछते थे वो पूछते थे कि कितने नंबर आए हम बोलते थे जैसे 180 तो बोलते थे 200 में से नहीं 720 में से। नंबर ना आए तो पेरेंट्स को क्या बोलना रेजिडेंस में अटेंडेंस की प्रॉब्लम आईडी कार्ड लगा के भागना 10 जीपीए वाले थे तुम गलती कर दी क्या भेज के मैंने 12th क्लास में 95 आते थे कोटा में 95% भाई सेम धक्का भाई यार है तीन घंटे की क्लास है उसके बाद भी इतनी मजा फैकल्टी के लिए लड़ना ये फैकल्टी अच्छा है इस क्लास में जाएंगे और साला नाम के साथ और आधे जो बच्चे हुए 97% नहीं नहीं वो नहीं वो ठीक है आधे ज्यादा लोग ने इधर उनका उनका लगा हुआ है पहले तो अपने सबसे पहले रिजल्ट आएगा अपना हम नहीं देखेंगे पहले देखें कौन फर्स्ट आया जो कोटा जीत हुए एक बात और सच बोले बच्चों के मन से बच्चे कोटा से निकल जाते हैं लेकिन कोटा के मन से निकल जाता है IIT आने के लिए कोटा गए थे लेकिन अब कोटा IIT में आके नहीं निकलता जिंदगी के बनाओ करते हैं लेकिन वहाँ पे सिग्नल भी लाजमी नहीं है कि जिंदगी में मेहनत भी करोगे या सफल भी होगे लेकिन अपना कोई डर नहीं सफल होना चाहिए मेहनत करते रहना चाहिए नंबर नहीं आया कुछ समझ नहीं आया लेकिन फिर भी बदल जाते हैं फिर नंबर नहीं आते लास्ट में आ जाते आया किसी भी किसी आया टीम में वो तो यार और क्या चाहिए जिंदगी में मतलब असली जिंदगी का असला लेसन वही भी सीखे मेरे तो हॉस्टल के एकदम बगल वाले हॉस्टल में सुसाइड हुई थी उसको दबा दिया गया प्रेस में नहीं आने दिया ताकि हॉस्टल का नाम खराब ना हो कोई ना कोई सुसाइड करता है और
कोटा में भी जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, नशे पत्ते में लग जाते हैं, गंदे गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लड़की के चक्कर में जाते हैं, फिर वही बच्चे एंड में जाके सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के प्रेशर में बंदे सुसाइड करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बंदे लड़की के चक्कर में, नशे पत्ते के चक्कर में, इन सब के चक्कर में। कोटा से आने के बाद लग रहा है कि कुछ रह गया है, वहाँ की यादें वो सब कुछ भूला नहीं जा रहा, मन से नहीं निकल रहा जो वहाँ मजे करते थे, यहाँ की जिंदगी, वहाँ के दोस्त, बहुत कुछ छूट गया, वहाँ जाके इतनी महसूस हुआ, वो जगह कभी नहीं भूल सकते, वो ऐसा कभी उस चीज को गुजरा को नहीं भूलना। वहाँ पे लगता था कि फैमिली के साथ फेस्टिवल्स नहीं मना पा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, बट क्या पता था जब आएंगे दोबारा से। कोटा में गए थे तब भी रोए थे, आए थे तब भी रोए थे। अब वापस जाने का मन करता है कोटा, काश वो दिन फिर से आप वापस आ जाए, काश एक महीने के लिए कभी वेकेशन से कोटा जा पाए, सारे दोस्त मिल पाए।